Hello everyone, so let's make one quick and a delicious starter today, that is chili chicken. तो हमें चिकन को मैरिनेट करना पड़ेगा पहले. उसके लिए आई एम टेकिंग वन एग. इसमें मैं डाल रही हूँ 1 स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट. देन मैं इसमें डाल 250 ग्राम ऑफ बोनलेस चिकन, ब्लैक पेपर डाला, सॉल्ट एंड कश्मीरी रेड चिली पाउडर एंड 2 बिग स्पून ऑफ मैदा. इसको अच्छी तरह से कोट करके और इसमें हम सोया सॉस भी डालेंगे थोड़ी कलर के लिए. और इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे फॉर 10 मिनट्स. देन इसको हम फ्राई करेंगे. अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं. इसको पहले तो ऑयल को अच्छी तरह से हीट करके देन इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे आपको फ्राई करना है, बिकॉज इसको अच्छी तरह से कुक होने में थोड़ा टाइम लगेगा. नाउ लेट्स प्रिपेयर द ग्रेवी. उसके लिए ऑयल लिया. नाउ इसमें थोड़ा गार्लिक कट करके डाला, थोड़ा गार्लिक को सॉटे करके. देन आई एम एडिंग 1 अनियन. नाउ एडिंग कैप्सिकम. इसमें जो चिली चिकन होता है इसमें क्रंची क्रंची वेजीज ही अच्छी लगती हैं, तो हम इसको ज़्यादा पकाएंगे नहीं. अब इसमें सॉल्ट, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, विनेगर, ब्लैक पेपर, सोया सॉस, शेजवान सॉस, सारी सॉसेज वगैरह इसमें हम डाल देंगे. अब हम इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे, अच्छे तरह से मिक्स करेंगे. देन हम इसमें कॉर्नफ्लावर की स्लरी डालेंगे, 2 स्पून कॉर्नफ्लावर और 1/2 कटोरी मैंने इसमें पानी लिया था. इसके बाद मैंने थोड़ा और पानी डाला था, क्योंकि अगर आपको इसको ग्रेवी वाला बनाना है ना, तो इसमें ज़्यादा वाटर ऐड कर लो, थोड़ा कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी भी बढ़ा दो और ये ग्रेवी वाला रेडी हो जाएगा. तो मेरे को तो ये ड्राई रखना था एज अ स्टार्टर, तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए वाटर डाला और अच्छी तरह से कुक किया. वाटर ड्राई होने पर मैंने इसके बीच में केचप डाली और ये रेडी है. और इसको अब सर्व करो, इन्जॉय करो. इसके ऊपर सेसमे सीड्स डालो थोड़े से और लाइक करो, सब्सक्राइब करो. बाय.